सामने जो पेड़ों के बीच में दिखाई दे रहा छोटा सा, दैट्स अ भूतनाथ टेम्पल, जो मैंने इस साइड से लिया आर्ट ऑफ लिविंग साइड से, और जानकी सेतु ब्रिज क्रॉस करके पहुंच जाते हैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस, मेन टेम्पल यहाँ पर है। यहाँ पर रसीद काटते हैं, डोनेशन समझ लीजिए, और माथे पे सुंदर सा त्रिशूल का टीका लगाते हैं, दैट आई लाइक इट। एंड इसके बाद वॉक करके पहुँचते हैं जहाँ पर वो टेम्पल है, 11th फ्लोर। सो मैं यहाँ पे ये लिया है फ्लोर का, जो मेरे जैसे लोग हों या कोई उनके चोट लगे हो पैर में, तो उनको पता हो कि कैसे ग्राउंड पर उनको वॉक करना है। सो रुक के गई थी, इट वॉज़ नॉट दैट फार और हार्ड। सो ऊबड़ खाबड़ सा था, तो मैं तो शूज़ पहन के गई थी, और मैंने स्टेप्स वाला रास्ता नहीं लिया, मैंने स्लोप वाला लिया था। ये तो खैर सीधा कॉमन है सबका, आगे जाके यहाँ से मैंने ये स्लोप वाला ऐसे लिया था, ना स्टेप्स का नहीं, कि स्टेप्स में मेरे को मुश्किल होती। तो इसमें मैं देख रही थी जो उतर रहे थे ना, थोड़े एज वाले, उनको प्रॉब्लम आई थी, तो आई वॉज सो केयरफुल वाइल कमिंग डाउन। ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लोगों ने टाइम पास किया होगा, पत्थरों को ऐसे जस्ट अरेंज कर रखा था। सो आई जस्ट टुक लिटिल वीडियो ऑफ दैट। और यहाँ से बस सीधा, ये तो मैंने जस्ट दिखाया है कि क्या वो एंट्रेंस है। इसके बाद बस सामने ध्यान ध्यान से मैं ऊपर सामने पहुँच गई, वहाँ शूज़ उतार देते और उसके बाद ईच फ्लोर पर जाते हैं। तो सामने वाले में भी फिर टेम्पल है, वहाँ पे फिर वो पर्ची काटते हैं। सो आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ फिर 20 रुपये दिए, 100 रुपीज़ दिए थे, तो यहाँ 20 रुपये दिए। फिर एक और पर्ची कटती लास्ट में 11th फ्लोर पर, वहाँ भी फिर मैंने 20 दिए शंकर जी। सो सारे फ्लोर सेम से ही लगे मेरे को, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी। खुशखबरी ये कि जो लोग कहते हैं स्टेप से, या तो इतना मैं चल लेती हूँ तो मेरे को कुछ भी ऐसा बुरा नहीं लगा। पर हर उस पर एक तो छोटा एरिया है वॉक करने के लिए, तो कोई ऐसा नहीं था कि दूर से आप कोई वीडियो बनाओ या कुछ करो। छुटकी छुटकी सी जगह, स्टेयर्स थोड़ी सी, एंड देन थोड़ा सा सर्कल, तो हर उस पर ऐसे त्रिशूल था। सो सेम ऑल 11 सेम थे, बस ये कि एक पर बजरंग बली जी का टेंपल था और एक में शंकर भगवान का था, और टॉप पर फिर शिव जी का अगेन। सो ऐसे तीन मंदिर थे बीच में, बाकी ऐसे घंटे थे एंड त्रिशूल थे, बस राउंड राउंड ऐसे करते जाओ और सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ। दिस इज़ द लुक ऑफ दैट टेम्पल। ये फ्लोर दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने ऐसे लिया एक फ्लोर पर, और ऊपर जाके वही ऋषिकेश दिखाई देता है। सो यहाँ की मान्यता ये है कि शिव जी जब शादी के लिए आए थे, तो उनके साथ जो बारात थी भूतों की, वो भूत यहीं रह गए थे और शिव जी आगे निकल गए थे। एंड नीलकंठ महादेव का विज़िट करें तो पहले यहाँ जाए फिर वहाँ जाए, मेरे को तो पता नहीं था, मैं चली गई, फिर मैं इतना ज़्यादा वो भी नहीं करती। सो बस यही है, समय है तो ज़रूर जाइए, जस्ट वन मोर थिंग, क्योंकि लोग कहते हैं वहाँ गए भूतनाथ टेम्पल गए, मेरे को भी क्लोज के लोगों ने कहा था कि भाई वहाँ भी जाना, तो है कुछ तो आप विज़िट कर लीजिएगा यहाँ भी। तो नाउ एन्जॉय द व्यू एंड एन्जॉय द भोलेनाथ सॉन्ग। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ, शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी।
जैसे मस्तक पे चंदा है, गंगा बसी जटाओं में, पैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाओं, भोलेनाथ।